भारत को हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। यहाँ गांव में रहने वाले अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। कृषि न केवल आजीविका का साधन है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका प्रमुख योगदान भी है। इसलिए भारत सरकार कृषि गतिविधियों से उत्पन्न आय के लिए अनुकूल नीतियों, योजनाओं और आयकर में छूट की मदद से कृषि क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देती है। आइए समझते हैं कृषि आय क्या होती है। कृषि आय का तात्पर्य अनिवार्य रूप से कृषि गतिविधियों पर आधारित स्रोतों से प्राप्त आय या उत्पन्न राजस्व से है। सरल भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है कि अगर भूमि की खेती के माध्यम से किसी भी तरह की इनकम जनरेट की जाती है तो उस इनकम को कृषि आय माना जाएगा। ऐसी आय में सभी भूमि उत्पाद जैसे फल, दालों, अनाज, वाणिज्यिक फसल आदि से राजस्व शामिल है। आय के इन स्रोतों में कृषि भूमि पर या उसके साथ पहचानी गई इमारतें और साथ ही बागवानी भूमि से प्राप्त वाणिज्यिक उपज भी शामिल है। कृषि आय के प्रकार क्या हैं? आयकर अधिनियम के अनुसार कृषि आय को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कृषि भूमि से होने वाली आय, कृषि व्यवसाय से होने वाली आय, कृषि किराया से होने वाली आय। जब भूमि पर कृषि की जाती है तब ऐसी भूमि की उपज से जो आय प्राप्त होती है उसे भूमि पर खेती से प्राप्त आय कहते हैं। अगर भूमि को मालिक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य हेतु दे दी जाए तो उससे प्राप्त होने वाला किराया कृषि आय के अंतर्गत आता है। नर्सरी में फल फूल के छोटे पौधे तैयार करने और उन्हें बेचने से आय कृषि आय की श्रेणी में आएगी और कर मुक्त मानी जाएगी। अगर कोई मकान कृषि भूमि पर उसके निकट स्थित हो तथा उसे किसान अथवा लगान प्राप्तकर्ता अपने रहने के लिए या भंडार गृह या बाहरी मकान के रूप में प्रयोग करता है तो ऐसे मकान की आय कृषि आय होगी। पर ध्यान रहे कि उस भूमि पर भारत में किराया या स्थानीय कर लगता हो तथा सरकारी अफसरों के द्वारा वसूल किया जाता हो। हालांकि कुछ क्रियाएं जो भूमि पर होती हैं और कृषि आय जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन उनको कृषि आय नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर जैसे मुर्गी पालन, भेड़ पालन, ऊन उत्पादन, डेयरी फार्म इत्यादि। कृषि से होने वाली इनकम पर टैक्स का वर्गीकरण करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपकी भूमि को कृषि भूमि माना जाना चाहिए, इसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और भूमि पर किसी प्रकार की खेती होनी चाहिए। एग्रीकल्चर से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब घर बैठे BSc एग्रीकल्चर सिलेबस की किताबें मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट भारतीभंडार.com विजिट करें।